तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दीपक भाई के घर। कैसे हैं? सब बढ़िया सब बढ़िया। तो बातचीत करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भैया से मिलकर, ठीक है। और भैया पटना से आए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों का फ़र्ज बनता है भाई की सपोर्ट करें, अगर दीपक लोग के फैमिली मेम्बर है ना तो सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि। हे गाइस नमस्कार, मैं हूँ मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रैम्बल मनीष। हे रोहित, हाय गाइस, ये है आपका एकंगर सराय, रेलवे क्रॉसिंग है स्टेशन के पास। खास बात ये है कि हम जा रहे हैं बहुत ही कम समय में फेमस होने वाले एक यूट्यूबर से मिलने जा रहे हैं। नाम है दीपक और यूट्यूब चैनल का नाम है दीपक ब्लॉग्स। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। हम जा रहे हैं दीपक भाई का गांव। तो अभी एकंगर सराय से लगभग 4 या 5 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता, एग्जैक्ट आपको जब जाएंगे वहां पे तो बता पाएंगे कि कितना किलोमीटर था दीपक भाई का घर। बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। और गाइस हमारे दो और मित्र हैं, एक सतीश हैं जो बीएसएफ में जॉब करते हैं, हाल फिलहाल में छुट्टी में आए हुए हैं, और एक राम निवास हैं, दीपक के गांव के ही हैं और ये आर्मी में है, इंडियन आर्मी। तो ये चीज़ है और चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दीपक भाई के घर और बस एक दो घर और लगभग हमारे साथ हैं दो चार मित्र। दीपक भाई, तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दीपक भाई के घर। कैसे हैं?
सब बढ़िया सब बढ़िया। मनीष नाम है। मनीष आपसे कभी बात हुआ था क्या? कॉन्फ्रेंस पे आप बिहार से रहते थे वो विकास किया था कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जो हम बताए थे आपको कि हाँ कॉन्फ्रेंस पे लेकर बात करवाए थे। हे गाइस, तो आज हम दीपक भाई से मिलने आए हुए हैं। और करीब अभी आधा घंटा एक घंटा से हम बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भैया से मिलकर, ठीक है। और भैया पटना से आए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और बाकी अभी फ़िलहाल ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों का फ़र्ज बनता है भाई की सपोर्ट करें। अगर दीपक ब्लॉग के फैमिली मेम्बर है ना तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में होता है क्या ना कि मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑडियंस नहीं रहता। सही बात है, सही बात रहता है ना, क्योंकि जब तक हमारे पास देखने वाला हो जाता है ना, भले ही 100 लोग है, 200 लोग है, 300 लोग है, 1000 लोग है, तब अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं यार मेरे तो है, मेरे सामने है 1000 लोग जिनको मैं अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया तो काफ़ी इतना यार तड़कती है धूप में भैया हमसे मिलने आए, मतलब बहुत अच्छा लगा सच में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू दीपक। अभी तो फिलहाल भैया जा रहे हैं, एक घंटा से प्लस हो गया। हाँ, एक घंटा से प्लस हो गया है। आकर मिलें इनके मम्मी को भी, मतलब देखें, मिले, बात किए, बात किए। हाँ, काफ़ी बहुत अच्छा लगा, और मिल के हमको भी बहुत खुशी इसलिए हुआ कि क्योंकि हम आज करीब 2 महीना पहले हम सिर्फ इनका एक वीडियो देखे थे, वायरल वीडियो, जिसमें अचानक मतलब हमको लगा कि अरे ये तो हम जहाँ नानी घर जाते हैं वहीं पर मतलब इनका घर है, तो क्यों ना दीपक भाई से मिल लिया जाए, कि चलिए भाई कम से कम एक यूट्यूबर से मिल के आए हैं। हाँ, तो ये चीज बता कॉन्टेक्ट किए, क्या होता है ना कि अगर आपके अंदर छा है ना कोई चीज पाने का, तो वो भगवान भी ना साथ देते हैं, चलो मिल ही ले। तो वही चीज हुआ, मिलने आराम से किसी ना किसी थ्रू से। देखिए मेहनत तो लगता है, हम भी कहीं जाते थे मिलने ना तो स्ट्रगल तो करना पड़ता था, एक दिन दो दिन तीन दिन उस चीज के प्रति रिसर्च करते थे, ठीक है। तो उनसे कॉन्टेक्ट करते थे, बहुत मुश्किल होता था कॉन्टेक्ट करना, फिर भी अपने अंदर एक जीत था कि मिलना है और मिल लेते थे। बस वही चीज था, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कम से कम एक बार दीपक भाई से मिल लिया जाए, क्योंकि इतना दिन से सोचते सोचते एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आना ही था। चलिए ठीक है गाइस, तो देखिए कि इस तरह से कैसे कैसे हुआ। बाकी अभी नया नया तो फिलहाल आ रहा था, काफ़ी तगड़ा चला था। सही बात है। के जी वगैरह अभी आ रहा था, सोचे के जी वगैरह आएगा फिर देखा जाएगा, मैसेज कर देंगे जब भी है ना, इंस्टाग्राम पर आपसे बात होते हैं, कॉल भी करना होता है इंस्टाग्राम से, आराम से वीडियो कॉल। ठीक है, अब वही से बात कर लीजिए। हाँ, जब भी अगर हुआ जरूरत तो फिर वीडियो कॉल कर सकते हैं, फिर मिलते हैं कभी पटना में, ठीक है। हाँ ठीक है, आइए पटना, हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे और आपका भी करेंगे राम निवास में, आप भी आइए पटना कभी। बात से है ना। हाँ, वहाँ पर लगा दिया।